पाठक इसका विचार करके ईश भक्ति का बल अपने अंदर बढ़ावे, जिससे सब विघ्न दूर हो सकते हैं। देव चरित्र श्रवण दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए श्रवण अथवा पठन देवताओं के चरित्रों का ही करना चाहिए। देवों अर्थात देवता के समान सत्पुरुषों के जीवन चरित्र श्रवण करने चाहिए, उन्हीं ग्रंथों का पठन करना चाहिए और उनके चरित्रों का ही मनन करना चाहिए। आजकल उपन्यास आदि पुस्तकें ऐसे घृणित तथा कलापों से युक्त प्रकाशित हो रही हैं कि जिनके पठन पाठन से पढ़ने वालों में राग द्वेष बढ़ते हैं, वीर्य भ्रष्ट होता है, ब्रह्मचर्य टूट जाता है और नाना प्रकार की आपत्तियां बढ़ जाती हैं। परंतु ये पुस्तक आजकल बढ़ रहे हैं। अपने देश में क्या और इस उत्तर देशों में क्या हीन दर्जे के लोग लेखन व्यवसाय में आने के कारण हीन सारस्वत प्रचलित हुआ है। इससे सब प्रकार की हानि ही हानि हो रही है। इससे बचने के उद्देश्य से इस सूक्त ने सावधानी की सूचना द्वितीय मंत्र में दी है। देखिए, सब कर्मों का यथावत जानने वाला दाता, अग्नि के समान तेजस्वी उपदेशक, सब देवों के जीवन चरित्र उसे सुनावे। यह मंत्र कई दृष्टियों से मनन करने योग्य है। इसमें सबसे पहले उपदेशक के गुण कही हैं। उपदेशक दाता उदार मनन वाला होवे, अपने सर्वस्व का हवन करने वाला हो, अग्नि के समान तेजस्वी हो और कर्तव्य कर्तव्य को यथावत जानने वाला हो। इसी प्रकार का प्रबुद्ध उपदेशक लोगों का मार्गदर्शक बने, लोगों को धर्म मार्ग का उपदेश करे और लोगों को देवानाम जानी मानी देवताओं के जीवन चरित्र सुनावे। देवों ने अपने जीवन में कैसे शुभ कर्म किए हैं, रीति से परोपकार किया, जनता का उद्धार कैसा किया इत्यादि सब बातें लोगों को समझा देवी। राक्षसों और पिशाचों के जीवन चरित्र पढ़ने नहीं चाहिए, अपितु देवों के दिव्य चरित्र ही अपने सामने रखने चाहिए। आदर्श जीवन देवों का हुआ करता है। राक्षस और पिशाचों धूर्तों और डाकुओं का जीवन तो ना सुनने योग्य होता है। यही उच्च जीवन मनुष्य अपने सामने आदर्श के लिए रखेंगे तो उनके जीवनों का भी सुधार होगा और उनकी आयु भी बढ़ेगी। आयु बढ़ाने के लिए भी यह एक उत्तम साधन है कि लोग भगवान श्री रामचंद्र का जीवन अपने आदर्श के लिए और रावण का जीवन ना लें। आजकल की उपन्यास आदि पुस्तकें जो मानवीय अंतःकरण का ही बिगाड़ कर रही हैं, उनसे बचने की सूचना यहाँ वेदों ने दी है। इसका पालन जितना हो सकता है उतना लाभकारी होगा। आजकल जो चरित्र मिलते हैं वे मन के विकार बढ़ाने वाले मिलते हैं, संयमशीलता बढ़ाने वाले चरित्र कम हैं। इसीलिए सदग्रंथ पठन यह एक आजकल दुसाध्य बात हो रही है। तथापि ऋषियों की कृपा से रामायण महाभारत ग्रंथ तथा अन्य नए ऋषि प्रणित चरित्र हैं, उनका मनन करने से बहुत लाभ हो सकता है। जो लोग इस बात को आवश्यक समझते हैं उसको उचित है कि वे ऐसे सचरित्र अथवा श्रेष्ठ ग्रंथ निर्माण करें और करावें कि जिनके पठन पाठन से आगामी संतान सुधार के पथ पर सुगमता से चल सके। अस्तु, इस मंत्र भाग ने दिव्य चरित्रों का श्रवण और मनन, यह एक साधन दीर्घायुष्य प्राप्ति के लिए कहा है, वह अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए जो दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे ऐसे चरित्रों का ही मनन करें। पाप से बचाव, दीर्घ आयुष्य प्राप्त करने के लिए पाप से अपना बचाव करने की आवश्यकता है। पाप से पतन होता है और रोग आदि बढ़ जाने के कारण आयुष्य क्षीण हो ही जाती है। इसीलिए इस सूक्त के पहले ही मंत्र ने पाप से बचने की सूचना दी है। देखिए, मित्र इस मनुष्य को मित्र संबंधी पाप से बचावे, शत्रु संबंध से होने वाले पाप से तो बचाना ही चाहिए। कई लोग मन से ऐसा मानते हैं कि मित्र के लिए, मित्र के हित साधने के लिए कुछ भी बुरा भला किया जाए तो वह हानिकारक नहीं है। परंतु पाप जो है वह हमेशा पाप होता है। वह किसी के लिए किया जावे, जब पापाचरण होगा तब उसका गिरावट का परिणाम अवश्य ही भोगना होगा। इसीलिए जो मनुष्य दीर्घ आयुष्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं
उनको अपने आप को पाप से बचाना चाहिए। मित्र अपने मित्र को पाप कर्म करने से रोके और उसको सीधे धर्म मार्ग पर चलाने की सलाह दे। मनुष्य स्वयं भी विचार करके जाने कि पाप कर्म से पतन अवश्य होगा, इसीलिए हर एक मनुष्य अपना मित्र बने और अपने आप को बुरे मार्ग से बचावे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और अपना शत्रु होता है, इसीलिए कभी ऐसा कार्य ना करे कि जिसे स्वयं अपना शत्रु समान बन जाए। तात्पर्य यह है कि दीर्घ आयुष्य प्राप्त करना हो तो अपने आप को पाप से बचाना चाहिए। पाप करते हुए दीर्घ आयुष्य प्राप्त करना असंभव है। भोग और प्राकर्म, मनुष्य को भोग भी चाहिए और प्राकर्म भी करना चाहिए, परंतु भोग बहुत भोगने से रोग बढ़ते हैं और वीर्य का संयम करने से ही आरोग्य पूर्ण दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है। मनुष्य को प्रिय भोग लगते हैं और भोगों में अपने वीर्य का नाश करना साधारण मनुष्य के लिए एक सहज ही सी बात है, इसीलिए इसका योग्य प्रमाण होना चाहिए। यह बात पंचम मंत्र में स्पष्ट की गई है। देखिए, इस मनुष्य को प्रिय भोग देकर तथा वीर्य प्राकर्म भी देकर दीर्घ आयुष्य के साथ प्राप्त होने वाले तेज के लिए ले चलो। अर्थात यह मनुष्य अपने लिए भोग भी योग्य प्रमाण में भोगे और वीर्य रक्षण द्वारा प्राकर्म भी करे, परंतु यह सब ऐसे सुयोग्य प्रमाण हो कि जिससे उसका आयुष्य और तेज बढ़ता जाए। परंतु भोग भोगने और वीर्य के कार्य में प्रमाण का अतिरेक कभी ना हो, जिससे बीच में होने वाली अकाल मृत्यु इसके प्राणों को ले चले। अपना समय भोग और प्राकर्म के कार्यों के लिए ऐसा बांटना चाहिए कि भोग भी प्राप्त हो और वीर्य के सब कार्य भी बन जाएं और यह सब दीर्घायु और तेज की प्राप्ति में बाधा ना डाल सके। अपने कार्य इस सूचना के अनुसार करने चाहिए। रेत के योग्य उपयोग से संतानों उत्पत्ति भी होती है, बल भी बढ़ता है, परंतु इसके अतिरेक से ब्रह्मचर्य नाश द्वारा नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अन्य नए भोग की बातों के विषय में समझना योग्य है। इस आशय को ध्यान में धारण करके यदि मनुष्य अपना व्यवहार करेंगे तो उनको भोग भी प्राप्त होंगे और दीर्घ आयु भी मिलेगी। देवों की सहायता, मित्र और शत्रु नाशक वरुण, ये दोनों मिलकर इसकी दीर्घ आयु करें। धुलोक और मातृभूमि मिलकर इसकी दीर्घ आयु करे। हे अविनाशी आदि शक्ति, तू माता के समान सुख दे। हे सब देवों, इसको पूर्ण आयु वाला अति वृद्ध करो। यहाँ मित्र वरुण, सूर्य, पृथ्वी, अदिति और सब अन्य देव इसकी दीर्घ आयु करने में सहायक हों। यह प्रार्थना की है। इससे स्पष्ट होता है कि दीर्घ आयु चाहने वाले मनुष्य को इन देवों के साथ अविरोधी बर्ताव करना चाहिए। यदि इनकी अनुकूलता से आयुष्य की वृद्धि होनी है तो उनके साथ विरोध करना योग्य नहीं है। यह स्पष्ट ही हुआ। सूर्य देव अपने प्रकाश से सर्वत्र शुद्धता करता है और हमें दीर्घ आयु देता है, परंतु सूर्य प्रकाश से वंचित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वह हमें सहायता कैसे पहुंचाएंगे। वरुण देव समुद्र के देव हैं। समुद्र जल, वृष्टि जल, सामान्य जल उन्हीं के जीवन सागर हैं। यदि मनुष्य इन जलों से अपनी निर्मलता करे अथवा अन्य रीति से लाभ उठावे तब ही जल देव वरुण से लाभ प्राप्त हो सकता है। मातृभूमि की योग्य उपासना करने से जो राष्ट्रीय स्वातंत्र्य प्राप्त होता है उससे मनुष्य कार्यक्षम और दीर्घजीवी हो सकता है। इसी प्रकार अन्य नए देवों का संबंध है, जिसका विचार पाठक करे और उनसे लाभ प्राप्त करके दीर्घजीवी बने।